नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके न्यूज नेटवर्क। इस वक्त हमारे साथ हैं तीनों प्रवक्ता कांग्रेस के। आपके घर में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महिला मोर्चा की जो है लोग आते हैं, तो आप उनके साथ इस तरह से दुर्व्यवहार कीजिएगा? वो यहाँ क्या करने आए थे उनसे भी तो पूछिए। यहाँ पे दूसरे पॉलिटिकल पार्टी के दफ्तरों में जा कर के आप यहाँ पर हंगामा खड़ा कीजिएगा, हमारे नेता के खिलाफ नारेबाजी कीजिएगा, हमारे पार्टी के खिलाफ नारेबाजी कीजिएगा, मुर्दाबाद कीजिएगा, तो हम लोग यहाँ बैठे रहेंगे? वो तो महिलाएं थी, इसीलिए हम लोगों ने उनका स्वागत फूल से किया, चाय बिस्किट से किया और उनको आदरपूर्वक यहाँ से विदा किया। अब उनके पास राजनीतिक मुद्दे, उनके जो जिस मनसा से वो यहाँ आए थे, वो तो आए थे यहाँ हंगामा करने, झगड़ा फसाद करने, तो उनकी मनसा विफल हो गई। तब उनकी मनसा विफल हो गई तो दूसरा दिन उनको याद आया कि अब हमारी राजनीति कैसे होगी, तो एक नया मनगढ़ंत आरोप लेकर के आए। और कमाल भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग, चाहे वो माननीय सीपी सिंह जी हों, चाहे अन्य कोई पूर्व विधायक हो, चाहे और उनकी साथीगण हो, सब लोगों को मानना पड़ेगा कि उनके पास मुद्दे विहीन इतना हो चुके हैं कि अब उनको लगा कि कैसे करें, तो इसको लेकर के दौड़ पड़े, मीडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। अब तो कहने का तात्पर्य यह है कि अब उन्होंने शुरुआत किया, तब हमारे भी लोग जाएंगे वहाँ पर, उनके दफ्तर में जाके मुर्दाबाद का नारा लगाएंगे और तोड़फोड़ मचा के आ जाएंगे। चलिए आप जाइए, लेकिन दुर्व्यवहार तो आपके साथ होगा कि नहीं, वो तो बात की बात है। एक तरफ है हमारे साथ आलोक जी, टारगेट आप पे भी है, क्या कुछ कहेंगे? नहीं, मैं ही टारगेट पर हूँ। हाँ। देखिए, बात टारगेट की नहीं है। लोग कहते हैं कि पुतला अगर जलाया जाए तो दो चार साल उम्र बढ़ जाती, तो मेरी आयु थोड़ी और बढ़ जाएगी, यही मैं कह सकता हूँ। शाहदेव जी ने कहा कि फूलों के साथ स्वागत किया गया था, लेकिन सीपी सिंह जो कह रहे हैं कि आप कुछ और किए थे। पता नहीं सीपी सिंह जी तो क्या देखे हैं, वो तो कौन से चश्मे दूरबीन से देखे थे वो तो वही बता पाएंगे, लेकिन हमने तो बहुत आदर भाव से उनका स्वागत किया। आरती कुजूर जी खुद मौजूद थे, आप उनसे दिल पर हाथ लग के उनसे पूछिए कि कांग्रेस जनों ने जो है जब आप कार्यालय में गए थे तो आपके साथ क्या व्यवहार किया, जबकि वहाँ जितने लोग मौजूद थे सब लोगों ने कहा कि लोकतंत्र का इससे अद्भुत अनूठा उदाहरण देखने को नहीं मिल सकता। तो फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप पर इल्ज़ाम तराशी करना है, क्या है? इनकी राजनीति है, घटिया लोग हैं, मानसिकता घटिया सोच की है, महिलाओं को आगे करके भारतीय जनता पार्टी अनैतिक दबाव की राजनीति करना चाहती। महिलाओं के साथ पिछले 16 वर्षों में और खासकर रघुवर दास जी के कार्यकाल में महिलाएं कितना अपमानित हुई हैं इस राज्य में, लोगों ने देखा है। खुद उनके विधायक के खिलाफ उनकी महिला नेत्री ने यौन शोषण के आरोप लगाए हैं, उनके कई विधायकों के ऊपर में आज भी जो है वो मर्डर और दूसरे और तस्करी और कोयला के जो है वो आरोप हैं। इनके राष्ट्रीय स्तर पर जाएंगे तो चिन्मयानंद से लेकर के कितने बड़े बड़े नेता जो है इस तरह के आरोपों में घिरे हुए हैं। कांग्रेस के लोग तो महिलाओं के प्रति, हम तो उनको आदर किया, ठीक कहा हमारे साथी किशोर जी ने, अगर उनको यहाँ से भगा देते तो ये उनको अच्छा लगता क्या? यही चीज़ उनको नागवार गुजरी है। कहाँ हरियाणा में क्या हुआ, यहाँ पेट्रोल डीजल बढ़ रही है, यहाँ झारखंड में लोग जो है ये अपना कार्यालय बना के खोल के घूम रहे हैं। मुद्दों की राजनीति करिए, याद रखिएगा लोग, इस तरह से अगर राजनीति करिएगा, आपने तो दरवाज़ा खोल दिया। झारखंड में कभी सुना आपने 20 साल अलग बने हुए कि कोई भी पार्टी के कार्यकर्ता किसी दूसरे राजनीतिक दलों के कार्यालय पर जाकर के आंदोलन करते रहे हो? कभी नहीं सुना होगा आपने। चलिए, एक और चश्मदीद हमारे साथ है, राजेश जी आप भी थे उस वक्त, क्या कुछ हुआ था बताइए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास अब कुछ बचा नहीं है, जिस तरीका से आरोप लगाया जा रहा ये बेबुनियाद है। जो बहनें आई थी भाजपा की, वो भली भांति इस चीज़ को जानती है, मगर उनके नेता के पास कुछ है नहीं। अब माननीय विधायक 5 बार का इस सिटी का ओपीसी कर रहे हैं, तो दुर्भाग्य है इतने घिनौनी राजनीति करने का। जो सोच भाजपा के लोगों पास ही होगा, उनको इतना सम्मान दिया गया कि जब वो आई तो यहाँ पर गुलाब का फूल, पानी, बिस्किट,
लेज का पेप जो चिप्स होता है वो लेकर उनका स्वागत किया गया। स्वीकार किए थे क्या? नहीं, उन्होंने स्वीकार नहीं किया था। तो उस पर अगर राजनीति करते हैं तो हमें लगता है कि उनके पास राजनीति का मायने कुछ दूसरा होता है, जो विध्वंसकारी हो, विघटनकारी हो, जो तोड़ फोड़ जानते हो, जो बर्बादी चाहती है, जो समाज को तोड़ना चाहती है, वो भाजपा का कल्चर है। और उनके कितने नेताओं पर इस प्रकार का आरोप लगा है, महिलाओं का उत्पीड़न का, महिलाओं को अपमानित करने का। पिछली सरकार में रघुवर दास ने मंच से भगाया था महिला को, भूल गए क्या उस चीज़ को? तो ये सब क्षुद्र राजनीति है, छद्म राष्ट्रवाद जो दिखाते हैं भाजपा के लोग, उन लोगों का कार्य है। माफ़ी की तलब की है भाजपा ने, क्या कुछ कहेंगे, माफ़ी मांगेंगे? नहीं, माफ़ी मांगने का अगर हम गलती करेंगे तो निश्चित माफ़ी मांगेंगे। माफ़ी मांगने से कोई छोटा नहीं होता है, बड़ा होता है। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है तो हम भी राजनीति ही करेंगे। अगर राजनीति का जब वो करना चाहती है तो जब उसका जवाब हम लोग भी राजनीति से ही देंगे। अब यहाँ पे जो अगर हमारे कोई गलती होता तो स्वाभाविक रूप से हम माफ़ी मांगते, लेकिन राजनीति का उत्तर राजनीति से ही देंगे। आरोप की बात हो तो आलोक दुबे जी का नाम आ जाता है, माफ़ी का तलब किया है, क्या आप माफ़ी मांगे तो छोटा थोड़ी हो जाएंगे? वो दे लिख करके देंगे कि आप माफ़ी मांगिए तो ज़रूर जो है हम उस पर विचार करेंगे, वो दें लिखित रूप में। अब आप बोलेंगे तो हम कैसे इसको ये कर सकते हैं? अगर उनको मेरी किसी भावना से अगर उनको वो आहत हुए हैं तो वो लिख करके दें हमारे पार्टी कार्यालय को, जरूर हम उस पर विचार करें। चलिए, झारखंड के इतिहास में पहला हुआ है किसी दूसरे पार्टी के कार्यकर्ता, किसी दूसरे पार्टी के महिला मोर्चा के अध्यक्ष हो या उनके जितने भी सहभागी हो, दूसरे कार्यालय में जाकर धरना प्रदर्शन किए थे। कांग्रेस ने जोरदार स्वागत किया था, ऐसा तीनों प्रवक्ता ने कहा। सच्चाई क्या है? हाँ, आप भी जानते नहीं हैं, हम बताएंगे आपको, कुछ क्षण के इंतजार कीजिए और बने रहे जेके न्यूज़ नेटवर्क के साथ। कैमरा पर्सन गौरव के साथ मैं संवाददाता मोहम्मद फैसल।